आज क्या हड़ताल आप लोग कर रहे हैं आज प्रदर्शन? अमित शाह जी ने जो करा है या गलत करा है? गलत कानून, काला कानून लगाया गया। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होते तो अपना कारोबार करके बैठते ना, क्यों चलाता है ये 10,000 रुपए की नौकरी क्यों करता वो बताइए आप। तो आज इसी को लेकर हड़ताल है? इसी के लिए हड़ताल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस खान। रईस भाई क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि साहब ये तो अगर जो कानून लागू करा है तो ड्राइवर अगर 5-6 हज़ार रुपए महीना कमाता है और अगर उस पर भी ये कानून 10,000 रुपए 10 लाख रुपए जुर्माना 7 साल की सजा तो काटेगा तो अपने बच्चों को गुरुद्वारे भेजेगा या कहाँ पे खाएगा है या रोड पे आ जाएंगे बच्चे? बताइए आप, ये बताइए खुद ही होगा इस पर क्या होना है बताओ। ये कानून वापसी लेवे अमित शाह तो बढ़िया है। ये क्या नाम है आपका? मैं दिनेश ठाकुर। तो आप क्या है, चालक परिचालक? चालक। तो क्या दिक्कत है भाई साहब? दिक्कत ये है कि हमारे हम चालक चला रहे हैं, अगर कोई भी बढ़ता है दुर्घटना होती है उसका 7 लाख का देगा, उसका 10 लाख की 10,000 की वो करेगा तो वो बच्ची ऊपर 10 लाख की बोल रहा। क्या नाम है आपका भाई? इन्होंने कहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसको आप उठा के लेके जाओ। मान लो हम उठा के भी लेके जाते हैं तो पब्लिक हमें जान संभाल देती है तो उसकी जिम्मेदारी हमें बचानी कौन लेगा है? ये सारी समस्याएं आ रही है इसमें। अब ड्राइवर 10,000-12,000 रुपए कमाता है, इसमें कहां से लाएगा, कहां से क्या करेगा? मरता है 1 करोड़ की, उसे पूरे परिवार को सुविधा दो उसके, उसमें गवैया जी यही सारी है, पूरा खर्चा दी। ड्राइवर एक तो ड्राइवर एक तो ड्राइवर एक तो कानून आ, क्या नाम है, कहाँ जाना था आपको? मेरठ जाना था। कहाँ से आ रही हैं आप? कटघर से। कटघर से आ रहे हैं आप लोग, तो कब से खड़े हैं यहाँ पर? हो गए 2 घंटे हो गए खड़े हुए, परेशान हो रहे हैं हम तो। बस नहीं मिला है? कब से खड़े हैं सर आप लोग? कहाँ जाना था? मेरठ जाना था, मेरठ के लिए बस नहीं मिली। नहीं नहीं हड़ताल है और उसी को लेके जो है यहाँ पर ही इनका विरोध प्रदर्शन भी चल रहा। तो आप लोग आधे घंटे से खड़े हैं, मेरठ जाना था, कहाँ से आ रहे हैं? मुरादाबाद से। आप भी मुरादाबाद से हैं? क्या नाम है आपका? तो कब से खड़े हैं आप यहाँ? बस रोक दी है। तो आपको कहाँ जाना था? मेरठ जाना था। आप इंतजार कर रहे हैं? क्या नाम है भाई साहब? राकेश नाम है सर, बरेली से आया हूं। अच्छा, बरेली से अमरोहा तक जाना, तो यहाँ आके आप यहाँ फंस गए? 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, नहीं मिला बस साधन नहीं मिल रहा है। हड़ताल के हड़ताल ड्राइवरों की हड़ताल कर, ड्राइवरों ने रोक रखी गाड़ियाँ सर। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि वो कह रहे हैं एक्सीडेंट पे 10 साल की सजा 7 लाख रुपये जुर्माना। कौन कह रहे हैं? सरकार ने कहा होगा, तो नोटिस दिया है क्या? ये तो पता नहीं, ये तो ड्राइवर जाने उनको पता होगा क्या दिया क्या नहीं दिया। तो आज पूरा मुरादाबाद रोडवेज से सभी बसें आज निरस्त हैं? सारी निरस्त, हर जगह से किसी भी पर चले जाओ। तो आज पूरा हड़ताल है, पूरा ऑल ओवर यूपी में? अच्छा, तो और बाकी सभी परिचालक चालक आज चले गए? सब अपने अपने घर गए हैं, जब दे दिया है गाड़ियाँ खड़ी करवा रही, गाड़ी टूट फूट होगी उससे बचाव के लिए तो गाड़ी खड़ी कर लो, सही है। तो कब तक हड़ताल वापस लिया जाएगा? अभी तो कुछ पता नहीं, 3 दिन का दिया फिलहाल मेरे को। अच्छा, रघु जी राम राम भाई साहब। अरे कोई मजदूरों को सुनने, कब से खड़े हैं आप लोग? अरे 7-3 दिन इनकी मसला है तो सरकारी नौकरी मसला। नहीं, आप लोग जो खड़े हैं ड्राइवर हैं आप? हाँ जी हाँ। तो भाई साहब क्या है, कब से मतलब दिक्कत हो रही? नहीं बता, कब से आप लोग परेशान हैं? अरे भाई साहब परेशानी ये है, मतलब योगी सरकार ने अमित शाह ने ऐसा कानून पास कर दिया कि पूरी जनता परेशान है, कोई गाड़ी नहीं चला सकती। तो आज हड़ताल है 1 तारीख को, 1 जनवरी को 2024। 500 का मजदूर कहाँ से 7 लाख रुपए देगा? ड्राइवर हंसमय, बाइक वाला भी ड्राइवर होता है, टेम्पो वाला भी ड्राइवर होता है, हर चीज का ड्राइवर है। इनकी जैसे सर ये तो सर 50-70 हज़ार रुपए ये मतलब बैठे बैठे ये। और भैया जी, ओ बड़े भाई। अच्छा चलिए, ये बताइए तो मतलब हड़ताल आ जाए पूरा ऑल ओवर यूपी में, तो मतलब आज परेशान है आप? धमकी साहब 72,000 रुपए तनख्वाह बताइए, हम 500 रुपए मजदूर के आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये बताइए आप। आज आप लोग हड़ताल में, आज बस नहीं मिला, क्या परेशानी, क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कतें आ रही है।
तो आप लोग कहाँ जाना था? हमें दिल्ली जाना था। तो दिल्ली जाने के लिए बस नहीं मिली? अच्छा, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।